बच्चों की पिटाई नहीं करना है। क्या गवर्नमेंट का भी ये नियम है कि बच्चों को पीटना नहीं है, जानवरों को भी पिटाई नहीं कर सकता कोई, उसको भी जेल में डाल देते हैं। तो बच्चे तो महात्मा होते हैं, उनकी तो पिटाई क्यों करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि बाबा ने तो मारने के लिए मना किया। इतनी पिटाई नहीं करनी है जो मुझे ऊपर से उतर के नीचे आए। क्या सुनिए ना, क्या क्या शिवजी मूर्ति के चित्र में शंकर को और ब्रह्मा को बैठे हुए दिखाया गया, विष्णु को खड़े हुए क्यों दिखाया गया? इसलिए कि विष्णु पवित्रता के पोशाक में सदैव खड़ा रहता है। और ये शंकर जी महाराज है ना, और ये ब्रह्मा जी महाराज है ना, थक जाते पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा मान तब में इतने सारे लोग रहेंगे तो उनके लिए खाना कैसे बनाएंगे और खाना कहाँ बनाएंगे? कौन बनाएंगे? अभी मालूम कितने सारे लोग रहते हैं वहाँ? बताऊंगी कि ज्यादा ही लोग रहते हैं। अंग्रेजी में बता दो कितने लोग रहते हैं, रहे ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रहे मऊना में? तुम्हारा प्रश्न बेकार हो गया। बताइए ना बाबा, आप बताइए। तुम्हारा प्रश्न ही गलत हो गया। तुम्हें यही पता नहीं कि माउंट आबू में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग? अंत में तो सालों तपस्या करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे खाना बनाना पड़ेगा ना। खाना इतने बड़े तो अभी नहीं खाना बनाना पड़ता है, बनाना तो पड़ता है ना। तो इतना बड़ा तो कैसे बनाएंगे? अंत में सारी दुनिया जाएगी तो पतीला भी कैसे होगा? अभी 50,000 में कुल लोग इकट्ठे होते ही नहीं, उनके लिए खाना बनता ही नहीं। तो 50,000 के लिए बन सकता है तो 5,00,000 के लिए नहीं बन सकता? 5,00,000 से ज्यादा बाबा कितने लोग बनाएंगे बाबा? बनाने वाले भी बहुत हैं। बनाने को क्या है, खाने वाले भी बहुत हैं। बड़े बड़े हंडे चढ़ा दिए, एक ही हंडा में 1,000 लोगों का खाना बन जाएगा। जगन्नाथपुरी में है जब मेला लगता है कितने लोग खाना खाते हैं, बड़े बड़े हंडे चढ़ा दिए। अभी भी जगन्नाथ के मंदिर में जो हंडा है उसमें भी अभी भी 4 भाग होते हैं बाबा। हम लोग कुछ करते हैं अपने आप ही हो जाते हैं, ऑटोमेटिक भी हो जाता है। बाबा ने बुजुर्ग बोला कि तुम बिना आँखों से ना निराकार को देख सकते हो ना साकार को देख सकते हो। साकार को देख सकते साकार को बिना ज्ञान के। अभी हम साकार को तो देख लेते हैं, ज्ञान की याद नहीं तब ना, ज्ञान का तीसरा नहीं तो मिला तभी तो देख रहे हैं कि ये साकार है। कीजिए मच्छर आदमी, तेरा तो बोलना बंद हो गया क्या? अब तेरी घरवाली है जो रह गई वो उनसे बोलवा। बोला है कि स्वप्न और साक्षात्कार ये सब भक्ति माल के हैं, सारे भक्ति माल के अच्छे हैं। कभी कभी बाइस हमें बाह के सपने आते हैं तो वो भी भक्ति माल। तुम्हें कुछ कुछ विश्वास होगा सपने और साक्षात्कार के ऊपर तो तुम्हें खुशी होती है, इसलिए आते हैं। जब तुम्हें सपने और साक्षात्कार की कोई खुशी नहीं होगी, सारा ज्ञान के आधार पर तुम तीसरे नेत्र से सारी बातें देख लोगे खुशी की, तो सपने साक्षात्कार में मजा ही नहीं आएगा। नहीं, लेकिन बाबा कभी कभी सपने सत्य हो जाते हैं ना,
वो ठीक है, वो ठीक है, भक्तों के जो साक्षात्कार सच्चे नहीं हो जाते, भक्तों के जो सपने हैं वो नहीं सच्चे हो जाते, लेकिन हम जो ज्ञान मार्ग में जो भक्त है उनके सपने अगर सच्चे हो जाए तो क्या बड़ी बात है। हाँ, कुछ न कुछ संस्कार है ना भक्ति के, इसलिए वो सपने आते हैं खुश करने के लिए, लेकिन हो जाता है ना। हाँ, सपने जो है वो शास्त्र के स्टेज पे न दे दिया जाए तो साकार नहीं होते, होते बाबा। ब्रह्मा बाबा को हर टाइम झूले में दिखाते हैं, ब्रह्मा बाबा झूले में बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा झूला झूलते हैं, झूले में बैठते भी हैं, हर टाइम नहीं बैठते, हर टाइम माने कि बैठते हैं, झूला भी झूलते हैं। भक्ति मार्ग में कहीं भी ब्रह्मा को झूले में नहीं दिखाते, नहीं मान तबू में बाबा झूला है ना, ब्रह्मा बाबा बैठते हैं ना, वो तो भगत लोग समझते हैं उनको भगवान, पर बाबा भगत लोग उनको भगवान समझते हैं ना, कृष्ण समझते हैं ना, इसलिए झूला झूलते हैं। साकार बाबा जानता है कि ज्ञान का झूले में झूला है संगम देवी कृष्ण, या झूले में झूला है, कौन से झूले में झूला है? एक बार तो झूल सकते हैं ना, बन सकते हैं, भक्ति मार्ग होना जरूर चाहिए। नहीं बाबा, तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं बाबा, बहनों के साथ एक बार झूल सकते हैं ना, इसीलिए भक्ति मार्ग का संस्कार है ना, झूला लगाएंगे ना बाबा जी, अब भक्ति मार्ग का संस्कार है ना, भक्ति मार्ग वाले बिना आपको पावेंगे सही छोड़ना पड़ेगा। आइए आप प्रश्न भूल गया, आप बुद्धि थोड़ा चलाइए, थोड़ा बुद्धि थोड़ा बाबा, जब सदगुरु का पाठ चलेगा तो बाबा बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे ना। सदगुरु जो है किसी की नाज नखरे नहीं देखता है, क्या एक बार ऑर्डर दिया ऐसा करो नहीं किया, बाबा अभी भी तो बाबा की बात मानते हैं ना, बाबा तुरंत बोलते तो मान लेते हैं ना, तो प्रैक्टिस पक्की हो रही है ना, तो जिनकी लंबे टाइम की प्रैक्टिस पक्की हो रही है हम तो समय भी उनकी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, जिनकी अभी ना फरमाने की प्रैक्टिस हो रही है तो उन समय भी लंबे समय का अभ्यास है तो उन समय भी क्या करेंगे, ना फरमानी कर देंगे। बाबा कौन है, अभी 15 मिनट और है खाना खाने में, तो बाबा शंकर जी चेयर पर भी बैठते और नंदी पर भी बैठते, ये क्या है बाबा, हद का बेहद का, वहीं पर बैठते हैं ना, चेयर पर कहाँ बैठते हैं, चेयर की मरी हुई मरे हुए चेयर पर बैठते, उसको शेर थोड़ी है बाबा। बाबा सुनिए ना, वो कल्पवृक्ष के पेड़ में कल्पवृक्ष के चित्र में ना जो सारे धर्म स्थापक को दिखाया गया ना, तो वहाँ पे नीचे ना सबकी मुंडिया टंगी हुई है, वहाँ जो कल्पवृक्ष के पेड़ में सारा दिखाया गया ना, कल्पवृक्ष के चित्र में दिखाया गया है ना कि कौन से धर्म कौन सा धर्म स्थापक करते हैं, तो जो धर्म सब वो बैठे हैं और उसके नीचे वहाँ पे मुंडिया दिखाई दे रही है बाबा, क्यों आत्मा को कैसे दिखाए, स्वरूपी वृक्ष के जितने पत्ते हैं ना, उन पत्तों को आत्मा स्वरूप में कैसे दिखाएं, शरीर दिखाएंगे तो देह हो जाएगी, इसलिए मुंडी मुंडी दिखा दी, क्योंकि मुंडी में ही आत्मा रहती है, और इतने बड़े झाड़ में पूरा शरीर तो नहीं दिखा सकते, मुंडी मुंडी दिखा दी, पता भी चले कौन से धर्म की है, मुंडी देखने से पता लग जाता है ना कौन से धर्म का है, पता लग जाएगा, स्वामी होगा तो मुंडी से पता लग जाएगा, बौद्धि होगा तो गोल गोटोल मुंडी से भी पता लग जाएगा। बाबा मुंडी में कि सबकी दृष्टि बाबा आँखों से ही मालूम पड़ जाता है कौन कैसा है क्या है, इसलिए मुंडी दिखा देना, मनुष्य की बाहरी आकृति मन की प्रतिकृति है बाबा, जो अच्छे अच्छे राजा होते हैं उनको मारने के लिए क्या क्या राजा भी बनाए जाते हैं।
छत्तीस बार नहीं सत्रह बार आक्रमण कर दिया तो भी कुछ अच्छा नहीं थे प्यार देते लेकिन उस मोहम्मद गौरी को तसली नहीं मिली तो उसने दूसरे चाहन को नाक में मार दिया तो फिर वो चांदन राजा कौन बने चौहान को मोहम्मद गौरी ने थोड़ी मार दिया मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा किया लेकिन अंधा करते करते भी पृथ्वीराज चौहान ने उसे मारना नहीं बदल दिया क्या वो एक कविता प्रसिद्ध है चार बाण से 24 गज अंगुल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान उसकी जो मंत्री है ना हिंदी में इशारा दे दिया ये बोल कर तो उसे पता लग गया इसलिए ऊंचाई से बैठा हुआ दाग से मारा मर गया बहु उसे ऐसे अंधा क्यों किया गया उसे ऐसे अंधा क्यों किया गया कलयुग के अंत में जब कलयुग शुरुआत होने वाला होता है ना तो द्वापर के अंत में राजा बहुत रानियां रखते हैं ना तो बहुत रानियां जो रखेंगे तो काम विकार में अंधे हो जाएंगे ना क्या काम विकार में अंधे होते कि नहीं अरे मुंह फैला के रख दिया काम कोलाम होते कि नहीं तो काम विकार में अंधे हो जाते इसलिए जो राजा होंगे चांदा जिनको ज्यादा क्रोध आएगा ज्यादा दूसरों से प्रभावित होंगे वही चांदा राजा चांदा तो प्रजावर्ग की आत्मा है क्या सांप सागर मिलकर की राजधानी में सबसे नीचा पद होता है चांदाल का दास दासियों से भी नीचा पद क्या बाबा एक चीज के वार्तालाप में बोले हैं कि सांप सागर मिल करके ज्ञान सागर बन जाएगा जब एक हो जाएगा हमारा सांप सागर एक लास्ट में जब विनाश होगा सारे महाद्वीप डूब जाएंगे तो सागर एक ही रह जाएगा तो ये शूटिंग कैसे होगी माना सात विधर्मी राजा सात विधर्मी नारायण खराब उनकी राजाई भी खराब कौन सा रह जाएगा कन्यादेवी नारायण रह जाएगा बाबा आजकल पार्वती को ज्यादा स्टाइल से बैठा हुआ दिखाते क्यों है आजकल पार्वती को ज्यादा स्टाइल से बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं अरे खूब फूल लगाती है वो देखिए बाबा स्टाइल से बैठी है कितना उठा के दिखा देना वो देखिए कितना स्टाइल से बैठी बाबा जो स्टाइल का दिखावा है जो स्टाइल का दिखावा है वो स्वदेशी करते हैं कि विदेशी करते हैं विदेशी तो पार्वती का जो पार्टधारी है वो इस समय विदेश में है या स्वदेश में विदेश में तो स्टाइलिंग करेगा विदेश में रहते हुए भी सूर्य की पूजा कर रही है की बात है जगदम्बा जितना साकार में मिलन मेला मनाती है उतना 16,000 भी नहीं मनाते हैं साकार में इतना मिलन मने मेला मनाने का मौका ही कहाँ मिलेगा कहाँ 16,000 और कहाँ एक अनार और 100 बीमार मिलन मनाने के लिए किसको मौका मिलेगा छोटी मम्मी कहाँ आ जाती है छोटी मम्मी जो कभी तो रहने वाली है उसको ये लफड़ा अच्छा ही नहीं लगता नहीं होगा ये लफड़ा किसको अच्छा लगता है अरे पवित्र रहने वाली आत्मा को अच्छा लगेगा कि जो क्रेशर जन ज्यादा पवित्र बने होंगे उनको ज्यादा अच्छा लगेगा किसको अच्छा लगेगा अभी भी बाबा की पाठ को पसंद नहीं करती है बाबा की पाठ का भी जो आत्मा पसंद नहीं करते तो क्या पवित्र रहने वाली आत्मा है पसंद करना ना पसंद करना बात अलग लक्ष्मी से ज्यादा पसंद कोई करता ही नहीं इसका प्रूफ ये है कि लक्ष्मी जो है और दूसरी रानियों को प्रतिबंध नहीं लगाती
बाबा से मिलने के लिए, और अंदर से खुश होती है क्या कि बाबा को इनके द्वारा सुख मिल रहा है क्या, तो फिर ये बात तो व्यवस्था भी तो हो गई। तुम जो बोल रही बाबा, बाबा ने बोला है कि एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ एक आत्मा है। एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ एक आत्मा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि लास्ट में जब फाइनल परीक्षा होगी तो माया किसी को छोड़ेगी, सबको फेल करेगी, अष्टदेव को भी, अष्टदेव भी लास्ट में जाके वो भी फेल होंगे। क्या एक ही बचेगा जो माया की परीक्षा में राम वाली आत्मा को वो फेल नहीं होगा, तो आपने डटी रहेगा। बाबा आदि से लेकर अंत तक अष्टदेव सहयोग देते हैं ना बाबा को, तो अंत समय में उस परीक्षा में फेल क्यों हो जाते वो लोग? क्योंकि उनको जो सबसे नीचे नहीं गिरेंगे वो सबसे ऊपर जैसे फिर उतना समय उनका मतलब जो पद है कम हो जाता है। दिखाएंगे एक बार बाबा, रावण के शीर्ष पर कौन सा जानवर दिखाते हैं? गधा। वो गधा किसकी निशानी है? देवान की निशानी है। पांच विकार हैं रावण के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनका बाप कौन? रावण। देवान। और देवान का पार्ट किसका? बार बार धूल में कौन लौट जाता है? धूल में लौट जाती है क्या? रोज बाबा मुरली चला रहे, कितनी बढ़िया मुरली चली, ब्रह्मा वाली आत्मा फिर क्या करेगी? इतनी बढ़िया मुरली, इतना बढ़िया ज्ञान स्नान, इतना बड़ा याद, क्या होश आता है? होश आता है कि नहीं? मजा आता है कि नहीं? आता है। इतना कोर्स ही मिलता है, इतनी मुरली बढ़िया, इतना वार्तालाप भी बढ़िया, इतना सब कुछ मिलते हुए भी फिर क्या होता है? जो अभिमान की मिट्टी ब्रह्मा है कहाँ? मना चंद्रमा ब्रह्मा नहीं है, वो अधूरा नहीं है। माना कोई शरीर में प्रवेश नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं है, तो फिर पढ़ाई पढ़ने आता है ना? हाँ, पढ़ाई पढ़ने आता है तो गड़बड़ नहीं करेगा? कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है ना, टीचर पढ़ाई पढ़ाता है तो लफड़ेबाजी करता है। बाबा कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना, लेकिन राम को तो श्याम सुंदर नहीं कहते ना। हाँ? तो फिर जो अभी ब्रह्मा की आत्मा वो तो माना जो बाबा का पार्ट है वो ब्रह्मा के द्वारा नहीं चल रहा, राम की आत्मा के द्वारा चल रहा है ना? ब्रह्मा की सोल प्रवेश नहीं कर रही राम की आत्मा प्रवेश कर रही, लेकिन पार्ट बजाने वाला कौन? पार्ट बजाने वाला आत्मा अलग नहीं है? शिव है या कृष्ण? पाप पुण्य का पार्ट बजा सकता है? नहीं। कौन बजाता है? राम कृष्ण। राम वाली आत्मा तो याद में रहती है, कैसे पार्ट कर दिया है? खाना भी होता। पढ़ाई पूरी हो गई उसकी आत्मा की? पढ़ाई पूरी नहीं हुई। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई तब तक उल्टा पलटा करेगा कि नहीं? बाबा वो तो माँ का पार्ट है ना। अम्मा है अब, अम्मा है, अम्मा सिर्फ इसलिए है कि अर्धनारीश्वर का पार्ट है, सहयोगी है एडवांस पार्टी की पालना करने में। नानी को जाते हैं स्नान करने के लिए, कृष्ण का मतलब घाट पर ऊपर सारे सबके ऊपर रोज स्नान नहीं करते हैं? करते हैं ना, रोज स्नान कर रहे हैं, ज्ञान स्नान करते हैं ना, रोज करते हैं ना। फिर जब अखबार वाले जो है वो अखबारों में बात निकलेगी क्या, तो नंगे कर देंगे कि नहीं? क्या नंगे हो जाएंगे? नंगे हो जाएंगे? नहीं भैया, हमारे कपड़े वापस दे दो, हमें नहीं चाहिए, जल्दी दे दो। बाबा
अश्वनी आज की यात्रा में दौड़ते हैं, ज्ञानियों के ज्ञानियों के पंखों से भी उड़ते हैं। तो असुर असुर क्यों है फिर याद की यात्रा से? तो असुर नहीं उड़ते हैं याद की यात्रा में, उड़ते हैं तपस्या की याद हमसे ज्यादा तीखी है। देवताएं इतनी कर तपस्या करने के आदि नहीं है। और असुर अरे बैठ जाते हैं लकड़ी घंटों बैठ जाते हैं। अच्छी बात नहीं है ना इतना, क्या इतना अकड़ करके बैठना अच्छी बात नहीं है ना? खाती अगर याद नहीं आता है, दुनिया का वायुमंडल खराब हो रहा है, हमारी अवस्था खराब हो रही, तो उसके साथ अच्छा अकड़ के याद करना बैठ अच्छा है ना? अभी तो कोई इतना संपूर्ण बना कि चलते चलते याद कर लेगा। अभी नहीं बना, जो बना होगा वो पाएगा, जो नहीं बना है वो जल्द खा लेगा। बाबा तो बाबा भर्ती करने के लिए आते जिनका फाउंडेशन आदि अच्छा रहता है, मन आदि आदि में मन उनका फाउंडेशन जो अच्छा रहता है भर्ती करने के लिए आते हैं, तो आत्मा की स्थिति उनकी बन जाती है। तो वो तो आदि सनातन देव देवता धर्म की आत्मा है, और जिनका फाउंडेशन पक्का नहीं बन पाता है तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर अब जो छोटे छोटे लोग आए हैं, जो छोटे छोटे लोग उनकी तो इतनी आत्म की स्थिति बनी नहीं है। जैसे पहले जो छोटी छोटी बहनें आई ना सरंडर, छोटी छोटी बहनें जो आई वो छोटी बहनें तत्व प्रधान होती है कि और तमो प्रधान होते हैं बड़ों के मुकाबले? लेकिन आत्म की स्थिति की बात है ना। हाँ तो महात्मा है तो आत्म की स्थिति जल्दी भी नहीं देर से बनेगी। फाउंडेशन पक्का नहीं है, जो पवित्र होते हैं उतने ज्यादा आत्म की स्थिति वाले बस जल्दी बनते हैं। बाबा असुर याद तो करते हैं पर असुर असुर क्यों बनते हैं? असुर याद करते हैं लेकिन असुर है ना, क्या सुर में सुर मिला के नहीं चलते हैं? क्या तुम कहो पूछो फटाक से विरोध कर रहे हैं, तो सुर में सुर नहीं मिलाया ना। तो ऐसे जो असुर हैं कितनी भी तपस्या करें वो विरोध करते रहते हैं, क्योंकि हम ज्यादा पावर हैं, हम बड़े हैं। क्या बाबा कभी मूल्य में ना विजयमाला को इतना बाबा कभी मूल्य में विजयमाला को इतना ऊंचा चढ़ा देते और रुद्रमाला को एकदम नीचे ही होकर देते पवित्रता। हाँ पर कभी कभी मूल्य में रुद्रमाला को इतना ऊंचा कर देते और विजयमाला को नीचे कर देते। क्यों राजा कौन बनता है? रुद्रमाला। रुद्रमाला किसके बच्चे है? अरे रुद्रमाला पूरा हाथ धोने भी नहीं दिया पहले ही दे दिया, मुँह धोने दिया, हो गया हो गया, अब काय में डालो उसके ऊपर पहले गुलाब आज की बात मैंने मुरली में अच्छी देव की जो विशेषता बताई ना कि एक सेट कपड़े हो तो भी वो लोग उसमें संतुष्ट रहेंगे, लेकिन वो आदि से लेकर के अंत तक की उनकी विशेषता बताई लक्ष्म और स्मृति के बच्चे का। परीक्षा कोई हर समय की होती है? तो परीक्षा घंटे दो घंटे चार घंटा सारा दिन होगी, हमेशा की परीक्षा होती है क्या? कभी कोई ऐसी स्थिति आ गई कि बड़ी बहनों ने नहीं पहचान पाया, और धोखे से कोई बहन ऐसी है जिसके पास कपड़े है ही नहीं, किसी ने देख नहीं पाया, वो अपने को छुपाती रही, तो हमेशा ऐसी स्थिति रहती है क्या? ऐसी आत्माएं नए संगठन में होंगी या सभी जगह होंगी? नए संगठन में ऐसी आत्मा होती है जो इतना सेंड कर लेती है और मिनिमम दैया चाल मचा देंगे, क्या नहीं कुछ नहीं होगा, दूसरों की चुरा भी लेंगे, क्या मारपीट भी करके दे अपना ले रहे, ये मेरा है तेरा नहीं है, तू झूठ बोलती है, ऐसे भी कर बैठे। बाबा एग्जाम्पल के रूप में अतिदेव उनको निमित्त मतलब उनको देख करके पोशाक करने के लिए रखे गए। अतिदेव में दो देखने में नहीं आ रहे हैं क्या? तो फिर तुम दो को देख के करो ना पुरुषार्थ,
मना कौन करता है? कहीं हम दो से संतुष्ट नहीं है, सब चाहिए क्या? जब सब निकलेंगे तब हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जल्दी उठते है तो सोल का डर रहता है क्या? एक डेढ़ बजे तो सोल का डर रहता है क्या? 12-1 बजे के बाद ही जो ईद सोल होती है उनका टाइम खत्म हो जाता है। फिर 1 बजे तक बैठ सकते हैं? बैठने से भी क्या होता है, अपनी चेकिंग भी तो करना है हमको, प्यार से, उस दिल से, उस मजे से, उसकी सहज, उसकी लगन की याद आ रही है। चलो खींच खींच के भी याद आए तो भी याद आ रही है। फिर बाबा सोना में याद तो ऐसी होनी चाहिए। तो मतलब सोना में क्या उनकी समस्या हो जाए, मेरी याद भूले कैसे? बाबा क्या अंदर से महसूस होता है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, उनसे इनसे उनमें तक तेरी याद आ रही है। ऐसी याद दोनों लोगों को बाबा के दृष्टि देते समय नींद ही आती है, लोग नींद मुझे नींद आ रही है, फिर उल्टा गाएंगे नींद आती है क्लास में बाबा बांगा याद आता होगा नहीं ना? नहीं जल्दी और ज्यादा याद आएगा। ऐसी स्थिति सभी की बनेगी, कैसे बनेगी? कैसे भूले याद कैसे भूले? भूले तो कैसे भूले, पकड़ गई करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रवेश कर सकते हैं ना, कोई कंट्रोल करने वाले होंगे तो कंट्रोल करते रहेंगे, सब करेंगे प्रवेश करेंगे। रुद्रमाला में रुद्रमाला नाम ही तब पड़ता है, इसी रुद्राक्ष के मणके में अनेक मुकुटे हैं और कोई में एक ही मुकुटा, वो मिलता ही नहीं। प्रवेश ना मतलब प्रवेश ना करने तो इसको पुरस्कार क्या करना? जिस रुद्राक्ष मणके में कोई मुख ही नहीं होगा उसमें समझो शिव बाबा ने भी प्रवेश नहीं किया, रुद्राक्ष का मणका ही नहीं, तो मन तो तभी आ जाएगा उसमें सब प्रवेश। जब शिव प्रवेश करता है तभी रुद्राक्ष का मणका। रुक्मिणी और ये हाथ में क्या है और बेहद से क्या है बाबा? जो मणि बनते बनते रुक गई, रुक्मिणी सत्य भामा, हा माने हुई, माँ माने माँ, जो सच्चाई में माँ हुई वो सत्य भामा। बेहद की दुनिया में बहुत से पुरुषार्थी ऐसे होते हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन किर 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 उनकी किकराहट की आवाज सबको सुनाई नहीं आती, फालतू की तो मतलब कुछ नहीं, जो वो कृषि करने से कोई फायदा है? कोई देश को फायदा है? दुनिया को कोई फायदा है? खेलने वालों को कोई फायदा है? पैसे मिल जाते हैं, कितना पैसा, पैसे थोड़े दिन के, कितना पैसा डालते हैं, कितना ढेर सारा देश का पैसा खर्च होता है, लेकिन है क्या ना किर 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 मतलब इससे तो अच्छा मैडम बन जाओ, बरसाती मैडम। चलो हटा भागो भागो भागो, सच्ची है तो सच्ची,
माँ की तरह पालना भी करती है अपने बच्चों को। क्या सच्चाई में माँ होनी चाहिए, लेकिन बेचारी क्या सन्यासी बन के रहती एक मिनट। सांडा उत्तर भारत में कहा जाता है बैल को, जो खेती के काम नहीं आता है, जो सिर्फ गाय से बच्चे पैदा करने के काम आता है उसे सांडा कहा जाता है। और सांडा एक जानवर को भी कहा जाता है। जे अभिमानी लोग होते हैं वो अपने देवान की पूर्ति के लिए उसका सांडे नामक जानवर को दवाई के काम में लाते हैं। सांडा अर्थात बहुत देह अभिमान। शंकर के मंदिर में या शिव के मंदिर में शिव है अपीता आत्मा अभिमानी, बिंदु रूप में नहीं, शरीर में प्रवेश होने के बावजूद भी अपीता आत्मा अभिमानी, वो भी सत्ता रखता है बस। और साथ में दिया हुआ है सांडा अति का देह अभिमानी। और बाबा ने कहा जो काम है इस्लामी प्रोजेक्ट के लिए वो बाबा ने कहा, तो जो भी वो आया वो जो प्रोजेक्ट लोग है काम इसका प्रत्यक्ष होता है इसका मन में तो प्रत्यक्ष होता है काम इसका नहीं बोलते इनका लक्षण इसका प्रत्यक्ष होता है। तो क्रिश्चियन जो होली का संकल्प हो साबित नहीं होता ना, साबित नहीं होता बाबा को जो सहनशीलता दिखाई गई है वो सहनशीलता त्रेसठ जन्मों में भी थी और उस सहनशीलता के आधार पर उन्होंने स्थापना का काम त्रेसठ जन्मों में भी किया या फिर इस वर्तमान संगम में जब शिव प्रवेश होते हैं तब लक्षित होता है। तो वो सहनशीलता का गुण शिव का हुआ या देहधारी का हुआ शिव बाबा का है। राम वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा इनकी एक पैसे की भी वैल्यू नहीं। शिव जयंती धीरे तुल्य जयंती कही जाती, राम जयंती कृष्ण जयंती मनाते तो है क्योंकि ये आत्माएं भी संपन्न तो बनती है, परंतु संपन्न बनाने वाला कौन? अगर वो ना आया होता तो बोली तू, अगर वो आया तो भी तो
कहाँ का दिखाई देना चाहिए ना, वो संस्कार जो है राशि तो मिलते हैं, सोच के संस्कार तो काम में था प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। एक क्रोध होता है बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से भरा हुआ होता है। एक सोचने की बात है, ये अंतिम जन्म है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा ने ब्राह्मणों के बीच में अति का सहन किया, इतना सहन किया कि ब्राह्मण बच्चों ने उनका हाथ फेल कर दिया और उन्होंने बच्चों से उठ नहीं की। एक बच्चा नहीं, ढेर के ढेर ऐसे बच्चे थे जो बाबा को जीवन में लगातार दुख देते रहे। और ब्रह्मा बाबा सहन करते गए। ये लास्ट जीवन है ब्राह्मणों का। तो जिन बच्चों ने ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्मा के साथ इतना पाप का घोर जघन्य अपराध किया, उनका हिसाब किताब इस जन्म में पूरा नहीं होगा क्या? होगा या नहीं होगा? होगा। वो ब्रह्मा का चोला वो तो उसके पक्ष सहन करने के निमित्त बना, लेकिन चोला सहन करता है या आत्मा सहन करती है? आत्मा ने सहन किया। वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद फिर उन बच्चों से एक एक पाई पाई पैसे पैसे का हिसाब किताब लेगी धर्मराज के रूप में। तो वो गुस्सा भुक्त रहा या प्रत्यक्ष हुआ है? उसमें भी जो भी बच्चे घायल किया है, मन का घायल किया है, उनका तो कपूर दे रहे ना। अभी सूक्ष्म शरीर देह भान का सूचक है या आत्मा विमान का सूचक है? बाबा काय का सूचक है, देह भान का सूचक। ये फूल देह उतना पाप नहीं कर सकती है क्योंकि बंधन में बंधी हुई है, और सूक्ष्म शरीर तो निर्बंधन होता है। ये ज्यादा शक्तिशाली होता है सूक्ष्म शरीरधारी ब्राह्मण को कहा जाता है ब्रह्म राक्षस। एक एक की सौ सौ गिनाने वाला है, परंतु जो देह अभिमानी है वो सिर्फ देह को देखते हैं, देह की चाल को पहचान पाते हैं, और जो आत्माभिमानी आत्मा है वो आत्मा को पहचानती है। वो आत्मा तो अभी भी है या नहीं है? अभी भी है, दो रूपों में कार्य करती है। एक सूक्ष्म शरीर से कार्य करती है और एक वो रूप है जो बीज रूप स्टेज में कार्य करता है। राम बाप में प्रवेश करके बीज रूप स्टेज में आ जाता है और गुलजार दादी अंतिम नारायणी में प्रवेश करके देह अभिमान में आ जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। ब्रह्मा बाबा उस बच्ची को बार बार बुलाते रहते थे अपने पास में और वो भाग जाती थी। सारा
जीवन ये चक्र चलता रहा। गुलजार दादी ब्रह्मा के नजदीक नहीं आई और उनका लगाव बढ़ता ही चला गया। आखिर उसका अंजाम शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है? उसी शरीर को निमित्त बनाते कार्य करने के लिए, क्योंकि अटैचमेंट लगा हुआ है देह का। शरीर में प्रवेश करने से जो पार्ट चलता है वो अलग पार्ट, और रामवाली आत्मा में प्रवेश करके जो पार्ट चलता है वो अलग पार्ट। और बाबा रामदनाथ जन्म स्मरण अलग चलता जन्म लेने का लेने वाला जैसा मालूम होता है देखने के लिए चौरासी जन्म लिए करके कैसे पता पड़ता है बता तो दिया। जो चौरासी जन्म लेने वाला होता है वो देवता होता है पक्का। जो कम जन्म लेने वाला होता है वो पक्का देवता नहीं होता, कच्चा देवता होता है। कच्चा देवता माने कच्चा ब्राह्मण। जो यहाँ कच्चा ब्राह्मण बनता है वो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ भी देखने में आवेगा आज पक्का ब्राह्मण अपने को कहता है मैं बाप का पक्का बच्चा हूँ, ब्रह्मा की औलाद हूँ। कल कहता है कि हम तो मोबाइल से आ गए थे बाप आप कुछ नहीं दिया क्या वो चौरासी जन्म लेने वाला हुआ या कन्वर्ट होने वाला हुआ पहचाना कि नहीं पहचाना? पहचाना। यहाँ शूटिंग पीरियड में हर आत्मा की क्वालिटी पहचानी जा सकती है। कौन किस धर्म में कन्वर्ट होने वाला है बाबा ने भी पहचान की है। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, भगवान की भी बात नहीं मानेगा, ब्रह्मा की भी बात नहीं मानेगा। संकल्प ब्राह्मणों की भी संगठन चल रही है और बिंदु ब्राह्मणों को भी संगठन चल रही है बाबा, क्योंकि सभी सारी दुनिया के ऊपर रावण राज्य क्यों आ रहे क्यों बिंदु ब्राह्मणों का त्योहार है। त्रेसठ जन्म हम परिवार में रहते रहे, मनुष्य एक सामाजिक पारिवारिक प्राणी है ना। त्रेसठ जन्म हम परिवार में रहे, समाज के संगठन के बीच में रहे, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की औलाद बने हैं। हम अपने अंदर झांक करके देखें कि हम बाप और बाप के रूहानी परिवार के साथ रहने की हमारी दिल है या जो है ही नहीं बाप के उनके साथ हमारी अटैचमेंट लगी हुई। हम प्रैक्टिकल में किसके साथ रहे पड़े हैं? कहां लौकिक परिवार, ये लोक की देह है, तो दुनिया की ये देह है, ये लौकिक है, इसके संबंध हम निभाना जानते हैं,
लेकिन आत्मा पारलौकिक है। और पारलौकिक बाप के जो पहलौकी के बच्चे हैं, 8 और 108, हम उनको परिवार के साथ कितना निभाते हैं। अरे निभाना तो दूर, हम उनको पहचानते हैं, जानते हैं। अरे परिवार में एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? है? जानते हैं। तो अपने दिल से पूछ रहे हैं कि हमारे अंदर ये संकल्प चलता है, ये विचार चलता है कि अगर हम 8 के परिवार में से हैं, तो वो 8 भांति कौन कौन है हमारे? अगर हम 108 के परिवार के हैं, तो वो 108 भांति हमारे परिवार के कौन कौन है? उनके संबंध में बुद्धि नहीं चली चाहिए? हम ब्राह्मण परिवार के, और बुद्धि चलती है बाहर वालों के पास। ये भी जानते हैं कि ये बाहर वाले हैं, इनके साथ हमारी पट्टी भी नहीं है। आज नहीं तो कल ये छूट जाने वाले हैं, फिर भी सहज सहज हम उनको नहीं त्याग सकते। तो क्या कहें, रावण के परिवार में बंधे हुए हैं या राम के परिवार में बंधे हुए हैं? राम के परिवार। बाबा జంకన్ బాబు అంటున్నారు అసలు ఎవరైనా తెలుసలేదు, పూజ జరుగుతున్నాయి కదా బాగానే, తిరుపతికి బాలాజీ పూజ రాకుండా బాగా జరుగుతున్నాయి కదా, ఇంకొక పూజ చల్ల పూజ మనతే భగవాన్ అక్కడ ఉందా తిరుపతికి? సారా దునియా కౌన్ సారా దునియా కన్ ఉంటే పాసు तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी जिन्हें बालाजी कहा जाता है, वो कौन है माता को अभी तक पता ही नहीं चला। वेंकट कहा जाता है विकट, विकट माने भयंकर, विकराल स्वामी, वेंकटेश्वर स्वामी, विकराल ईश्वर, बाबा बोली में कहते हैं ऊंचे से ऊंचे भगवान। तो नंबर वार नीचे से नीचे भगवान भी तो होंगे, कोई ऊंचे भगवान कोई नीचे भगवान, ऐसे ही ईश्वर वेंकटेश्वर विकराल ईश्वर, बड़े से बड़ा ईश्वर। अब बड़े से बड़ा ईश्वर होगा तो दुनिया में उसकी बड़े से बड़ी पूजा होगी कि नहीं होगी? बड़े से बड़ा मंदिर भी होगा या नहीं होगा? आप बड़े से बड़ा चढ़ावना चढ़ाया जाता होगा या नहीं चढ़ाया जाता होगा? चढ़ाया जाता होगा। अरे वो तो विश्व का मालिक है, सारी दुनिया के 500-700 करोड़ उसके प्रति अपना सब कुछ अर्पण कर देने वाले हैं। सारी विश्व की बात का ही उसको सुनने वाली है। तो इतना चढ़ावा चढ़ता है तो कोई बड़ी बात हो रही है? अभी तो कुछ भी चढ़ावा नहीं करता, वो तो भक्ति मार्ग का है।
असली नहीं है सब। और जब असली प्रत्यक्ष होगा तो कितना चढ़ावा चढ़ेगा तो माता को भी पता ही होगा। आप में बाबा ने कहा बाप को जन्म लेकर प्रिंस बनेगा, बाप को जन्म लेकर प्रिंस बनेगा, तुम तो नर से नारायण बनेंगे। यहाँ बाप किस तरह विचार किया बाबा जन्म लेकर प्रिंस बनेंगे बाप तो दो ही है ना, बाप जो जन्म लेकर बाप को जन्म लेकर प्रिंस बनेगा, प्रिंस बनेगा तुम तो डायरेक्ट नर से नारायण बनेंगे, और तुम तो डायरेक्ट नर से नारायण बनोगे। जिसको तुम बोला है वो कौन है मैंने हिमत किया है राम बाप वाली आत्मा को, और जो राम बाप वाली आत्मा हिमत की है वो राम बाप वाली आत्मा भी कोई ब्राह्मण है या नहीं है? ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण है तो उसका कोई ब्रह्मा बाप है या नहीं? है या नहीं? है तो बस आप बाप आलो गया जब उसका बाप है उसी बाप के लिए बोला गया। धर्म में ही शक्ति है सदन में रहना है, लेकिन जो ये नास्तिक लोग जो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र को चाहते है वह वो किस भाव से वो धर्म निरपेक्ष भाव चाहते हैं? जो नास्तिक होते हैं वो ही धर्म निरपेक्ष चाहते हैं, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि नास्तिकवाद की शुरुआत होती है आर्य समाज में, और आर्य समाज धर्म वाले ऐसी आत्माएं हैं कमजोर जो सचिव में आत्मा नारायण के फॉलोअर बनते हैं, वो आत्मा नारायण के फॉलोअर कच्चे से कच्चे ब्राह्मण परिवार के हैं, वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जैसे ही द्वापर शुरू होता है कच्ची होने के कारण इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देवता धर्म के ऊपर से उनकी आस्था ऊपर जाती है, बाद में क्राइस्ट आता है बुद्ध आता है तो उन्होंने धर्मों में भी कन्वर्ट हो जाती है। माना इतनी कच्ची कमजोर आत्माएं हैं कि कोई भी धर्म के ऊपर उनकी आस्था टिकती नहीं है, चाहे बौद्ध धर्म आए चाहे क्रिश्चियन धर्म आए चाहे संन्यास धर्म आए चाहे मुस्लिम धर्म आए, जो जो धर्म पिताएं आते गए उनके उनके धर्मों में कन्वर्ट हो गई, अपने पिछले धर्म को छोड़ते गए, उस धर्म के ऊपर से उनकी आस्था उखड़ती गई। तो जिनके जन्म जन्मांतर के संस्कार है कोई भी धर्म पर आस्था उनकी टिकती नहीं है, अनास्थावान है, तो उनमें नास्तिकता सहज आ जाएगी या नहीं आएगी? सहज ही उनके अंदर नास्तिकता आ जाती है, वो कोई भी धर्म के ऊपर उनको आस्था नहीं रहती। इसलिए उनका नारा है धर्म मेरा परेश राज्य, हम ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जिसमें हमें किसी धर्म की
अपेक्षा नहीं है, किसी धर्म के ऊपर हमको आस्था नहीं है। माने उनका नास्तिक धर्म है, वो कहते तो है मुख से कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को निराकार मान लेते, साकार नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, माने देवताओं को मानते ही नहीं, जबकि भगवान सिर्फ देव आत्मा में प्रत्यक्ष होता है, चाहे वो राम वाली आत्मा हो और चाहे वो कृष्ण वाली आत्मा हो, वो देवताओं को मानते ही नहीं। देवताओं को न मानना, साकार स्वरूप को न मानना, अर्थात निराकार को भी नहीं मानना, नास्तिक है। उन्हें किसी धर्म के ऊपर अपेक्षा नहीं है, वो सिर्फ अपनी चलाएंगे, किसी की बात मानने वाले नहीं है। उनके धर्म में कोई ताकत नहीं। आज जो राज्य चल रहा है खासकर हिंदुस्तान में, वो धर्म निरपेक्ष राज्य चल रहा है, कांग्रेस कौन आर्य समाजियों का राज्य चल रहा है, उन अर्ध नास्तिकों का राज्य चल रहा है, जिन्हें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। तुम कोई भी धर्म को मानो, हमें कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ वोट देते रहो। तो संख्या चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। लेकिन जो सभी निर्देश वो चाहते हैं, तो वो धर्म की क्या उनका दृष्टि में क्या गति है, अहंकार, हम ही सब कुछ है, जो हम करेंगे तो होगा। हम दिल्ली को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हम स्वर्ग बनाएंगे, दुनिया में कोई अस्थि नहीं है जो भारत को स्वर्ग बना दे, हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे। दिल्ली अस्थि है, यहाँ से ही आता। हाँ जी, बाबा जगन्नाथ सर अभी जय क्षेत्र जगन्नाथ 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 अतने एवरो कौन है? माता रोज क्लास में जाके मुरली नहीं सुनती है, कोई कोई बातें बार बार क्लास में पूछी जाती है, जगन्नाथ को हाथ क्यों नहीं दिखाई जाते? हाथ या भुजा सहयोगी की निशानी है, सहयोगी उसी का बनेगा जो बहुत ऊपर ऊपर से प्यार दिखाने वाला होगा। आज की दुनिया की ये रीति है कि सहयोगी उसी के बनते हैं जो ऊपर ऊपर से बहुत प्यार दिखाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, मुख से कुछ भी ना कहे, कभी भी कोई विरोध न करे, सिर्फ प्यार ही प्यार बरसाता रहे। व्यक्ति से भी, व्यक्ति मात्र भी कभी लाल आंख न करे, उसके बहुत सहयोगी बन जाए। इसलिए ब्रह्मा को कितनी भुजाएं दिखाते हैं, हजार भुजाएं दिखाते हैं,
तो ब्रह्मा का जो लौकिक जीवन है वो लौकिक जीवन में भी व्यवहार उनका इतना लचीला है कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े सबसे बड़े चीजों के व्यापारी बन गए। नहीं तो आज की कहीं भी दुनिया में सच्चाई पूर्वक चल करके कोई भी करोड़पति नहीं बन पाता। बाहर से दिखावा कुछ और अंदर का कुछ और। ब्रह्मा बाबा का भागीदार भी था, वो ब्रह्मा बाबा से हीरो की परख में ज्यादा होशियार था। इसका प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा ने उसको अपनी दुकान सारी ही सौंप दी। उसकी होशियारी को देकर के तो उनका बहनोई था, इसलिए दुकान का सारा कारोबार उनको सौंप दिया। ब्रह्मा बाबा जानते थे ये मेरे से भी हीरों की परख में ज्यादा होशियार, ये भी जानते थे इसकी दुकान नहीं चलती। झूठे हीरों के बाजार में छोटी सी कच्चे हीरों की दुकान रख करके बैठने वाला वो भागीदार, उसकी दुकान चलती ही नहीं। और ब्रह्मा बाबा पार्ट टाइम धंधा कर रहे तो साबित हो जाता है कि अंदर से एक और बाहर से जो दो है दूसरा है। उस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक होता है, और जो अंदर से एक और बाहर से भी एक ही है वो तो ब्राह्मण परिवार के लिए सदैव सुखदायी होता है। परंतु दुनिया ऐसी है जो झूठों का ही साथ देती है, जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे नजर आते हैं उनका ही साथ देती है। इसलिए एक का पद बनता है श्रीनाथ और एक का पद बनता है जगन्नाथ, सारे जगत को पालने वाला, और एक है सुख श्रेष्ठ श्रेष्ठ बड़े बड़े लोगों के परिवार को पालने वाला। यदि के आज में जो ब्राह्मणों का संगठन इकट्ठा हुआ था वो बड़े बड़े परिवार के लोग इकट्ठे हुए थे या ज्यादा मेजोरिटी गरीबों की थी, बड़े बड़े सब बड़े बड़े परिवार के घराने की इकट्ठे हो गए, वो था श्रीनाथ का पार्ट। और यज्ञ के आज से ही लेकर के ब्राह्मणों की भारी मेजोरिटी 90% ब्राह्मणों ने दादा लेखराज की पालना को स्वीकार किया। देखो सूर्य की आत्मा ऐसी थी, राम जैसी आत्मा थी जो साथ ही नहीं बन सके। सहयोगी नहीं बने और 90% में राम वाली आत्मा का सहयोग दिया, क्योंकि अंदर से और बाहर से एक था। कलयुग के अंत में जितनी भी मनुष्य आत्माएं होती है वो सब कड़वी होती है, समो प्रधान होती है या सतो प्रधान होती है, सब आत्माएं 100% समो प्रधान होती है। कोई आत्मा दिखावा नहीं करती है,
देखने में भी सबको पता चलता है भागा हुआ है, तब वो प्रधान है और अंदर से भी कड़ुआ होता है। दुनिया में कहावत भी है, खरी बात करने वाला किसी को पसंद नहीं आता, मीठी मीठी बातें करने वाले लोग पसंद किए जाते हैं। तो राम वाली आत्मा ब्राह्मणों के पुरुषोत्तम संगम भी जीवन में मुरली के अनुसार भी खादी के राजा रानी साबित होते हैं। जैसे खादी का कपड़ा होता है ऐसे रामवली आत्मा भी ऐसा शरीर रूपी वस्त्र धारण करने वाला कपड़ा है, ऐसा व्यक्तित्व है जो सतयुग त्रेता की सर्दियों में गर्मी देने वाला है, सुख देने वाला है और द्वापर कलयुग की गर्मियों में ठंडक देने वाला है। सिर्फ बरसात का मौसम ऐसा होता है जो खादी का कपड़ा बहुत भारी हो जाता है, चिपक चिपक कर जाता है, मिट्टी पकड़ता है। ये ब्राह्मणों की संगम इस दुनिया का पुरुषोत्तम संगम युग बरसात का मौसम है, जहाँ ये खादी के राजा रानी सबको भारी पड़ जाते हैं। 100% सच्ची आत्मा होने के बावजूद भी इतने ब्राह्मण बच्चे निकलते हैं हजारों लाखों की तादाद में, कोई भी 100% निश्चय बुद्धि नहीं बन पाता। आज निश्चय करते हैं पाठ के ऊपर, कल निश्चय बुद्धि हो जाती है। ये ऐसा वंडरफुल पाठ है, सदाकाल का कोई भी सहयोगी नहीं बनता। इसलिए शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई जाती, ब्रह्मा को हजारों हजार भुजाएं दिखाई जाती, दो भुजाएं वो भी कट जाती। विजय माला की है और रुद्रमाला की है, वो भी अंतिम घड़ी में वो भी कट जाती, वो भी सहयोगी नहीं बनती। समझ में आया क्यों भुजाएं कट जाती है और ब्रह्मा बाबा की भुजाएं क्यों सर कब्ज रहती है? झूठ की दुनिया में सत्य कठोर होता है, ये दुनिया ही झूठों की है, इसके दुनिया का नाम ही है झूठ खंड। झूठ खंड में सब झूठे हैं और झूठे लोग झूठ को ही पसंद करते हैं, सत्य को न पहचानते हैं और न पसंद करते हैं। पहचान ले तो पसंद करो, जन्मजात भूत है, जन्मजात भूत। जन्मजात भूत का मतलब ये है कि द्वापर युग से जो भी आत्माएं आती हैं, इस्लाम धर्म की पहली आत्मा आई तो वो आने मात्र से ही विचार चलाएगी या अविचारी कर्म करेगी, क्या करती है? इसकी मात्र से ही विचारी बनाना शुरू कर देती है। जन्म हुआ, प्रवेश किया और प्रवेश करने मात्र से ही विचारी दृष्टि दृष्टि फैलाना शुरू कर देती है। तो जन्म जात उसके अंदर विचार के संस्कार है,
काम विकार के संस्कार भरे हुए हैं, वो जितने प्रवेश करती है उसमें जन्मजात संस्कार नहीं है, वो पहले देवता थी, भले संपूर्ण देवता नहीं थी फिर भी देवता, उसको भी जन्म लेने वाला जो बाप है, बाबा ग्रैंडफादर, वो जन्मजात नहीं है। बाबा का भी जो बाबा है पर बाबा, वो तो बिल्कुल ही नहीं जन्मजात है। वो तो आदि में भी आत्मा और अंत में भी आत्मा, जिस आत्मा में, जिसे एकमात्र आत्मा में परम पिता परमात्मा प्रवेश करता है, उसको जन्मजात भिखारी नहीं कहेंगे। आदि में भी विष्णु था, लोग शैतान, और जब परमात्मा से उसमें प्रवेश करते हैं अंतिम जन्म में तब भी विष्णु का रूप होता है। दोनों पति पत्नी आपस में एक मिलकर के रहते हैं, इसलिए जन्मजात भिखारी नहीं कहेंगे। हाँ, आखिरी जन्म में तो सबको नीचे हो, माया किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए ये ब्राह्मणों के अंतिम जन्म में आकर के राम कृष्ण की आत्माएं 16,000 का जो परिवार बनता है राज परिवार, तो परिवार में आकर के अति की भिखारी और अति की निर्भिकारी साबित हो जाए। कृष्ण काला और कृष्ण गोरा, ग्वालियर का श्री जी भी लाल गोरखे मंदिर डिग्री में आए बाबा, ग्वालियर का चिरंजीवी लाल, वहाँ चिरंजीवी लाल तो ब्रह्मा को बाबा ने ग्वालियर का बेहद कहते, ग्वालियर का चिरंजीवी लाल ग्वाल बाल कहते हैं, क्या ग्वाल बाल, ग्वाला ग्वालिन, जो दूध बेचने वाले होते हैं उनको ग्वाला कहा जाता है। और जिस परिवार में दूध बेचने वाली कन्याएं माताएं होती हैं उनको ग्वालिन कहा जाता है। शब्द से बना है ग्वालियर, ये हमारे वर्ष काल कैसा काल, ग्वाल बालों का वर्ष, दूध बेचने वालों का वर्ष ग्वालियर। अब ज्ञान का दूध तो संगम युग में है, और उस दूध को जीव का क्यों प्योर युग में धारण करने वाली आत्मा कौन सी है, परम पिता केवल प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जो पवित्र ज्ञान का दूध निकलता है उस दूध को पहले पहले सुनने वाला कौन है, कान में धारण करने वाला कौन है, परमात्मा शिव ने आकर के जो ज्ञान सुनाया, ज्ञान दुग्ध दिया,
उसके ज्ञान सुख को पहले पहले कौन सी आत्मा दान करती है? कौन नहीं इनकी आत्मा पहले सुनती है, तुम्हारी आत्मा नहीं सुनती है, इनकी आत्मा पहले सुनती है। किनकी? ब्रह्मा। तो पवित्र दूध है पीने वाला कौन हुआ? वाला वो पहला पहला ग्वालियर है। बाप ने गंगा को तीर्थ चढ़ाया और लक्ष्मी को धाम बनाने की शक्ति, लक्ष्मी को धाम बनाने की शक्ति में इंप्लीमेंट करती है उसको बांटने वाली, ज्ञान को बांटने का कार्य लक्ष्मी को दिया और धामने का संबंध। हाँ दोनों उसको और ज्ञान जो बांटा है वो लक्ष्मी ने बांटा है। किसको बांटा है? देवताओं को बांटा है या असुरों को बांटा है? देवताओं को बांटा है। लेकिन भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, ज्ञान देता है, तो भगवान की मेंटलिटी सिर्फ देवताओं को देने की है या पक्षपाती है? सबको गंगा देती है या लक्ष्मी देती है? गंगा सबको देती है। उसमें जो केमोवान कहने वाले सन्यासी भी आ जाते हैं जो गंगा के किनारे बैठे हुए देखे जाते हैं। जैसे शंकर सबको देता है, ये नहीं देखता कि ये असुर है या देवता है। विष्णु ऐसे नहीं है, वो असुरों को नहीं देता है, किसको देता है? देवताओं को ही देता है। ये अंतर है। बाप के पास में और ब्रह्मा को विष्णु के पास में, इसलिए गंगा को सर के ऊपर चढ़ाया हुए। जो अपकारी है उनको भी देना, अपकारियों का भी उपकार करना, ये है फालोपादर। अपकारियों के ऊपर उपकार नहीं करना, जो हमारा उपकार करने वाले हैं, हमारा गायन करने वाले हैं, हमारी महिमा करने वाले हैं, उनको ही सिर्फ देना है, दूसरों को नहीं देना है। यह अच्छी मेंटेलिटी है या खराब मेंटेलिटी है? ये भगवान का कार्य है या मनुष्यात्मा का कार्य? मनुष्यात्माओं में और भगवान में ये विशेष अंतर है। भगवान सबका है और जो मनुष्य आत्मा है या जो आसुरी आत्मा है या जो देव आत्मा है वो सिर्फ अपने हमजिंस का करती है, स्वार्थ के लिए करती है। भगवान स्वार्थी नहीं है, भगवान सदैव परमार्थी है। और भगवान को फॉलो करने वालों में गंगा भी एक ऐसी है जो पतितों को पावन बनाने के लिए सन्नद्ध है, पतितों को अपने नजदीक किनारे पर बैठने देती है, अपनी गोद में लेती है। लक्ष्मी असुरों को गोद में नहीं ले सकती,
गंगा जानती है कि असुरों का संग करने से मेरा हाल क्या होगा, आखिरी क्या होता है गंगा का हाल करीबन, राम तेरी गंगा मेरी, ये जानते हुए भी वो अपना कार्य करती है, बाप को फॉलो करती है। लक्ष्मी ऐसा नहीं करती। जो ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में 100 साल की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में 100 साल पूरा है, तो ब्रह्मा मृत्यु लोक में खराब हो जाता है, तो हमारा क्या है? तो पहले तो कदम की तीस में तो बाप की मृत्यु लोक खराब था और अमर लोक में वो मन बुद्धि से नया। और ये बताया ये भी मैंने जो दादा लेख रहा थे ब्रह्मा है अपनी ब्रह्मा उनका 100 वर्ष पूरा हुआ है उसका साल साल में 89 में 89 में ब्रह्मा दादा लेखराज की आयु 100 साल 100 साल पूरी होती है। तो वो अगर वो आत्मा भी पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में दुख भोगती हुई आराम से दिखाई गई है, मृत्यु लोक पर दुख भोगती हुई नहीं दिखाई गई हो, पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण की आत्मा आत्मा रूपी अंगूठे को आराम से चूसते हुए दिखाई गई, कोई प्रकार का उसको दुख महसूस नहीं होता। लेकिन अभी तक उसका पक्का नहीं है तो अपनी ज्ञान दाता दूसरा ज्ञान दाता सोचकर बोलेगा ये पक्का नहीं हुआ बाप कब उसका अलग लोग में गए ऐसा कहें शूटिंग का कार्य चलेगा या नहीं चलेगा, जो शूटिंग का कार्य है वो चारों युगों की शूटिंग हर आत्मा को करनी है या नहीं करनी है, तो 89 81 वो है तत्वप्रधान स्थिति क्या, बाद में हमेशा ऐसी स्टेज नहीं रह सकती, न राम की रहती है और न कृष्ण की रहती है, राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं की साक्ष किसके का टाइम मुदा हुआ, कृष्ण की आत्मा भी जब यज्ञोपवीत हो जन्मा हो तब संपन्न बने, संपूर्ण ब्राह्मण कहा जाए और बाप का विरुद्ध है कि बाप इस जलते हुए संसार में बच्चे को अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता, बच्चे के साथ ही जाएगा, वो बाप बाप नहीं है जो बच्चे को जला दे भस्म कर दे और खुद अपने को बचा ले, हर मनुष्य आत्मा को चार अवस्थाओं से पसार होना है और चारों युगों की सूची से पसार होना है। बाबा अपने बच्चों को असली बनकर वापस ले जाते थे, जो बाबा अपने बच्चों को असली बनकर वापस ले जाते थे, असली वापस ले जाते थे, असली बनकर असली बनकर ले जाते असली बनाकर वापस ले जाते थे, इसका बेहद बच्चे जो है वो अपने को अभी शरीरी स्टेज में है समझते हैं अनुभव करते हैं या आत्मिक स्टेज में अनुभव करते हैं, आत्मिक स्टेज में अनुभव करते हैं बच्चे, बच्चे जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो
वो अपने को सदैव आत्मिक स्टेज में अनुभव करते हैं या देह की स्टेज में अनुभव करते हैं? घड़ी घड़ी देह का अभिमान आता है या घड़ी घड़ी आत्मा अभिमान में रहते देह अभिमान में रहते? तो देह अभिमान से परख करके पलटाए के आत्माभिमानी जब बनेंगे तो ले जाने आत्माभिमानी नहीं बनेंगे तो सूक्ष्म पतन में रहेंगे या इस दुनिया में रहेंगे? आत्मिक स्टेज का अनुभव करेंगे तो स्वर्ग में अनुभव करेंगे, सुख में अनुभव करेंगे, भले इस सारी दुनिया में आग लगती रहे, कयामत बरपा होती रहे, दुखों के पहाड़ गिरते रहे, तो भी जो बच्चे आत्मिक स्टेज में स्थित तो हो जाएंगे वो सुखों का ही अनुभव करेंगे, निराकारी निर्विकारी और निर्हंकारी स्टेज का अनुभव करेंगे, बाप की गोद में ही अनुभव करेंगे। जैसे प्रहलाद को दिखाते हैं पहाड़ पर ले गए और वहां से नीचे डाल दिया, तो भगवान ने क्या दिया? गोद में ले लिया। रक्षक मात्र भी दुख अनुभव नहीं कर सकते आपने किसी वाले। साकार दुनिया में भी होता है ना, एकदम साकार से ही अनुभव करना है ना आत्मा को। बहुत यहाँ तो में रहते रहते वापस ले जाने वापस आत्मिक स्थिति में बोली जाएंगे, जो देह में रहते रहते ही इस दुनिया से जिनका ममत्व टूट जाएगा, ऐसे थोड़े माउंट आबू जाके बैठ जाएंगे। तुम बच्चे परम धाम को इस सच्ची पर उतार लेंगे तो परम धाम जब इस सच्ची पर उतरेगा तो वहां आत्मिक स्टेज वाले होंगे या देवांशी स्टेज वाले होंगे? आत्मिक स्टेज वाले होंगे। बात आ रही लेकिन ये ज्ञान जो है जो शक्ति ज्ञान वो प्रजापिता है ना हमारे आत्मा के थ्रू प्रजापिता के थ्रू दे रहा है ना, देने वाला तो वो है ना, पर वो लेन देन की हिसाब किताब उसका नहीं होता नहीं होना वाली आत्मा जाता वाली आत्मा वर्तमान में दे अभिमान वाली है या आत्मा अभिमान वाली है? जय पिता वाली आत्मा भी दे अभिमान में रहने वाली है, तमो प्रधान है, तमो प्रधान कामी कांटे में ही सेवात है, तमो प्रधान में नहीं आता है, केवल ज्ञान देने वाला है, छू देता है, किसके छू देता है? प्रजा पिता ब्रह्मा दो आत्माएं हैं, राम कृष्ण वाली आत्माएं जिनके द्वारा देता है, तो राम और कृष्ण वाली दोनों ही आत्माएं स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? पुरुष चोला है। कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है, उसे कल्याण होता है, या पुरुषों के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है उससे कल्याण होता है? कन्या
अभी कल्याण तो नहीं हुआ, अभी कहे कि कल्याण हुआ ब्राह्मण परिवार का, अभी भी सामूहिक रूप में देखा जाए तो कल्याण दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो ज्ञान देने के निमित्त है, चाहे वो दादा लेखराज ब्रह्मा बना हो और चाहे वो प्रजापिता हो, ये दोनों ही रूप दुर्योधन दुशासन है। बच्चों की पिटाई नहीं करना है। देखो क्या भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट का भी ये नियम है कि बच्चों को पीटना नहीं है, जानवरों को भी पिटाई नहीं कर सकता कोई, उसको भी जेल में डाल देते हैं, तो बच्चे तो महात्मा होते हैं, उनकी तो पिटाई क्यों करना चाहिए? नहीं, क्योंकि बाबा ने तो मारने के लिए मना किया, इतनी पिटाई नहीं करनी है जो मुझे ऊपर से उतर के नीचे आ त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर को और ब्रह्मा को बैठे हुए दिखाया गया, विष्णु को खड़े हुए क्यों दिखाया गया? इसलिए कि विष्णु पवित्रता के पोशाक में सदैव खड़ा रहता है, ये शंकर जी महाराज है ना और ये ब्रह्म जी महाराज है ना, थक जाते बाप रे, पवित्र रहना पड़ेगा, बाबा मान तब में इतने सारे लोग रहेंगे तो उनके लिए खाना कैसे बनाएंगे और खाना कहाँ बनाएंगे? कौन बनाएंगे? और कौन बनाएंगे? अभी मालूम कितने सारे लोग रहते हैं वहाँ? कितने रहते हैं? अंग्रेजी बता दो, बताऊंगी कि ज्यादा ही लोग रहते हैं। अंग्रेजी में बता दो कितने लोग रहते हैं, रहे ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रहे मऊदा हूँ? तुम्हारा प्रश्न बेकार हो गया, बताइए ना बाबा, आप बताइए, तुम्हारा प्रश्न ही गलत हो गया, तुम्हें यही पता नहीं कि माउंट आबू में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग तो सालों तपस्या करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे खाना बनाना पड़ेगा ना, तो खाना इतने बड़े तो अभी नहीं खाना बनाना पड़ता है, बनाना तो पड़ता है ना, तो इतना बड़ा तो कैसे बनाएंगे? सारी सारी दुनिया जाएगी, अंत में सारी दुनिया जाएगी तो पटेला भी कैसे होगा? अभी 50,000 कुल लोग इकट्ठे होते ही नहीं, उनके लिए खाना बनता ही नहीं, जैसे 50,000 के लिए बन सकता है तो 5,00,000 के लिए नहीं बन सकता? 5,00,000 से ज्यादा कितने लोग बनाएंगे बाबा? बनाने वाले भी बहुत, बनाने को क्या है, बड़े बड़े हंडे चढ़ा दिए, एक ही हंडा में 1,000 लोगों का खाना बन जाएंगे। जगन्नाथपुरी में है जब मेला लगता है कितने लोग खाना खाते हैं, बड़े बड़े हंडे चढ़ा दिए दादा, अभी भी जगन्नाथ के मंदिर में जो हंडा है उसमें अभी भी 4 भाग होते हैं बाबा, हम लोग कुछ करते हैं अपने आप ही हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। बाबा ने बुल्ली बोला कि तुम इन आँखों से ना निराकार को देख सकते हो ना साकार को देख सकते हो, साकार को देख सकते हो मैंने तो बाबा, पर अभी हम साकार को तो देख लेते हैं, ज्ञान की याद नहीं सब ना, ज्ञान का तीसरा नहीं तो मिला तभी तो देख रहे हैं कि ये साकार है, मच्छर आदमी तेरा तो बोलना बंद हो गया क्या? अब तेरी घरवाली है जो रह गई और बोल दे बोलवा भागी, भागी।
बोला है कि स्वप्ना और साक्षात्कार ये सब भक्ति माल के हैं, सारे भक्ति माल के अच्छे हैं। कभी कभी हमें कभी कभी बैठते हैं तो हमें बाह के सपने आते हैं, तो वो भी भक्ति माल। तुम्हें कुछ कुछ विश्वास होगा सपने और साक्षात्कार के ऊपर, तो तुम्हें खुशी होती है, इसलिए आते हैं। जब तुम्हें सपने हैं और साक्षात्कार की कोई खुशी नहीं होगी, सारा ज्ञान के आधार पर तुम तीसरे नेत्र से सारी बातें देख लोगे खुशी की, तो सपने साक्षात्कार में मजा ही नहीं आएगा। नहीं लेकिन बाबा कभी तुम सपने सत्य हो जाते हैं ना, वो ठीक है। भक्तों के जो साक्षात्कार सत्य नहीं हो जाते, भक्तों के जो सपने हैं वो नहीं सत्य हो जाते। लेकिन जो ज्ञान मार्ग में जो भक्त है उनके सपने अगर सत्य हो जाए तो क्या बड़ी बात है। हाँ कुछ न कुछ संस्कार है ना भक्ति के, इसलिए वो सपने आते हैं खुश करने के लिए। लेकिन हो जाता है ना कहा सपने जो है वो शास्त्र के स्टेज में न देखे जाए तो साकार नहीं होते। बाबा ब्रह्मा बाबा को हर टाइम झूले में दिखाते हैं, ब्रह्मा बाबा झूले में बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा झूला झूलते हैं, झूले में बैठते भी हैं, हर टाइम नहीं बैठते, हर टाइम माने की बैठते हैं झूला भी झूलते हैं। भक्ति मार्ग में कहीं भी ब्रह्मा को झूले में नहीं दिखाते। नहीं मान तबू में बाबा झूला है ना, ब्रह्मा बाबा बैठते हैं ना, वो तो भगत लोग समझते हैं उनको भगवान, पर बाबा भगत लोग उनको भगवान समझते हैं ना, कृष्ण समझते हैं ना, इसलिए सुना। पर बाबा साकार बाबा क्यों नहीं झूले में झूलते हैं? साकार बाबा जानता है कि ज्ञान का झूले में झूला है संगम जी कृष्ण, या झूले में झूला है। कौन से झूले में झूला है? एक बार तो झूल सकते हैं ना, भक्ति मार्ग होना जरूर चाहिए। नहीं बाबा तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं बाबा बहनों के साथ एक बार झूल सकते हैं ना, इसीलिए भक्ति मार्ग का संस्कार है ना, झूला लगाएंगे ना बाबा भी, अब भक्ति मार्ग का संस्कार है ना। भक्ति मार्ग वाले बिना आपको पावे में सही छोड़ना पड़ेगा। आइए आप प्रश्न भूल गया, भूल गया आप बुद्धि थोड़ा चलाइए, थोड़ा बाबा ना बाबा जो सदगुरु का पाठ चलेगा तो बाबा बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे ना। सदगुरु जो है किसी की नाक नखरे नहीं देखता है, क्या एक बार ऑर्डर किया ऐसा करो नहीं किया। बाबा अभी भी तो बाबा की बात मानते हैं ना, बाबा तुरंत बोलते हैं तो मान लेते हैं ना, तो प्रैक्टिस पक्की हो रही है ना, तो जिनकी लंबे टाइम की प्रैक्टिस पक्की हो रही है हम तो समय दूँ उनकी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, जिनकी अभी ना फरमाने की प्रैक्टिस हो रही है वो अंत समय भी लंबे समय का अभ्यास है तो अंत समय भी क्या करेंगे, ना फरमानी कर देंगे। अभी 15 मिनट और है खाना खाने में, क्या करेंगे बाबा? शंकर जी चेयर पर भी बैठते और नंदी पर भी बैठते, ये क्या है बाबा? हद का भी हद का बड़ी पर बैठते हैं ना, चेयर पर कहाँ बैठते चेयर की मरी हुई मरे हुए चेयर पर बैठते उसको शेर थोड़ी है। बाबा बाबा सुनिए ना, वो कल्पवृक्ष के पेड़ में कल्पवृक्ष के चित्र में ना जो सारे धर्म स्थापक को दिखाया गया ना, तो वहाँ पे नीचे ना सबकी मुंडिया टंगी हुई है, वहाँ जो कल्पवृक्ष के पेड़ में सारा दिखाया गया ना, कल्पवृक्ष के चित्र में दिखाया गया है ना कि कौन सी धर्म कौन सा धर्म स्थापक करते हैं, तो जो धर्म स्थापक वो बैठे हैं और उसके नीचे वहाँ पे मुंडिया दिखाई दे रही है। बाबा क्यों आप लोगों को कैसे दिखाई? वृक्ष के जितने पत्ते हैं ना, उन पत्तों को आत्मा के रूप में कैसे दिखाएंगे? शरीर दिखाएंगे तो देह हो जाएगी, इसलिए मुंडी मुंडी दिखा दी, क्योंकि मुंडी में ही आत्मा रहती है, और इतने बड़े झाड़ में पूरा शरीर तो नहीं दिखा सकते, मुंडी मुंडी दिखा दी।
पता भी चले कौन से धर्म की है, मुंडी देखने से पता लग जाता है ना कौन से धर्म का है, सिख होगा तो पता लग जाएगा, इस्लामी होगा तो मुंडी से पता लग जाएगा, बौद्धी होगा तो गोल गोल टोल मुंडी से भी पता लग जाएगा। बाबा बोला मुंडी में कि सबकी दृष्टि बाबा आँखों से ही मालूम पड़ जाता है कौन कैसा है क्या है, इसलिए मुंडी दिखा देना। मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रकृति है। बाबा जो अच्छे अच्छे राज्य होते हैं उनको मारने के लिए चार चार राज्य भी बनाए जाते हैं, छत्तीस बार आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया तो भी कुछ चाहने से राज देते, लेकिन उस मोहम्मद गोरी को तसल्ली नहीं मिली, उसने उस चाहन को नाक में मार दिया, तो फिर वो चार चार राज्य कौन बने। चौहान को मोहम्मद गोरी ने थोड़ी मार दिया, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा किया, लेकिन अंधा करते करते भी पृथ्वीराज चौहान ने उसे मार कर बदल दिया। क्या वो एक कविता प्रसिद्ध है, चार बाण से 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ऊपर सुल्तान है मत क्यों कहते हो, उसके उसकी जो मंत्री है ना हिंदी में इशारा दे दिया ये बोल कर, तो उसे पता लग गया इतना कैसे बैठा हुआ दाग से मारा मर गया। बहुत ऐसे अंदर क्यों किया गया, ऐसे अंदर क्यों किया गया, कलयुग के अंत में जब कलयुग शुरुआत होने वाला होता है ना तो द्वापर के अंत में राजा बहुत रानियां रखते हैं ना, तो बहुत रानियां जो रखेंगे तो काम विकार में अंधे हो जाएंगे ना, क्या काम विकार में अंधे होते ही नहीं, अरे मुंह फैला के रख दिया काम गोदाम तो होते ही नहीं, तो काम विकार में अंधे हो जाते, इसलिए ज्यादा प्रभावित होंगे, ज्यादा क्रोध होगा तो वो ही बनेंगे, जो राजे होंगे चांदार वो जिनको ज्यादा क्रोध आएगा, ज्यादा दूसरों से प्रभावित होंगे वही चांदार राजे। चांदार तो प्रजावर्ग की आत्मा है, क्या सांप सागर मिलकर के राजधानी में सबसे नीचा पद होता है चांदार का, दास दासियों से भी नीचा पद, क्या बाबा एक सिंह के वार्तालाप में बोले हैं कि सात सागर मिलकर के ज्ञान सागर बन जाएगा, जब एक एक हो जाएगा हमारा सात सागर, लास्ट में जब विनाश होगा सारे महाद्वीप डूब जाएंगे तो सागर एक ही रह जाएगा, तो ये इसकी विधर्म में शूटिंग कैसे होगी, माना सात विधर्म में राजा ही निकलते, सात विधर्म में नारायण खलास, उनकी राजाई भी खलास, कौन सा रह जाएगा, चंद्रभूमि नारायण रह जाएगा। बाबा आजकल पार्वती को ज्यादा स्टाइल से बैठा हुआ दिखाते क्यों है, आजकल पार्वती को ज्यादा स्टाइल से बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं, अरे खूब फूल लगाती है वो, देखिए बाबा स्टाइल से बैठी है कितना, उठा के दिखा देना वो, देखिए कितना स्टाइल से बैठी बाबा, जो स्टाइल का दिखावा है, जो स्टाइल का दिखावा है वो स्वदेशी करते हैं कि विदेशी करते हैं, विदेशी विदेशी, तो पार्वती का जो पार्टधारी है वो इस समय विदेश में है या स्वदेश में, विदेश में, तो स्टाइलिंग करेगा है, विदेश में रहते हुए भी स्टाइलिंग करेगा, विदेश में रहते हुए भी स्टाइलिंग की पूजा कर रही है, की बात है जगदम्बा जितना साकार में मिलन मेला मनाती है उतना 16,000 भी नहीं मनाते हैं, साकार में इतना मिलन माने मेला मनाने का मौका ही कहाँ मिलेगा, कहाँ 16,000 और कहाँ एक एक अनार और 100 बीमार मिलन मनाने के लिए किसको किसको मौका मिलेगा, कहाँ आ जाती है छोटी मम्मी, जो पवित्र रहने वाली है उसको ये लफड़ा अच्छा ही नहीं लगता, नहीं होगा।
ये लफड़ा किसको अच्छा लगता है? अरे पवित्र रहने वाली आत्मा को अच्छा लगेगा कि जो 63 जन्म ज्यादा पवित्र बने होंगे उनको ज्यादा अच्छा लगेगा? किसको अच्छा लगेगा? अभी भी मन बाबा के मन पाठ को मन पसंद नहीं करती है, बाबा के पाठ का भी जो आत्मा पसंद नहीं करते, तो क्या पवित्र रहने वाली आत्मा है? पसंद करना ना पसंद करना बात अलग, लक्ष्मी से ज्यादा पसंद कोई करता ही नहीं। इसका प्रूफ ये है कि लक्ष्मी जो है और दूसरी रानियों को प्रतिबंध नहीं लगाती बाबा से मिलने के लिए, और अंदर से खुश होती है क्या कि बाबा को इनके द्वारा सुख मिल रहा है क्या? तो फिर ये बात तो गलत साबित हो गई। तुम जो बोल रही बाबा, बाबा ने बोला है कि एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ एक आत्मा इसका मतलब हुँ? हुँ? एक तरफ हुँ? सारी दुनिया एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ एक आत्मा इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि लास्ट में जब फाइनल परीक्षा होगी तो माया किसी को छोड़ेगी, सबको फेल करेगी, अष्टदेव को भी, अष्टदेव भी लास्ट में जाके वो भी फेल होंगे। क्या एक ही बचेगा जो माया की परीक्षा में वो फेल नहीं होगा, तो आपने डटी रहेगी। बाबा आज से लेकर अंत तक के अष्टदेव सहयोग देते हैं ना बाबा को, तो अंत समय में उस परीक्षा में फेल क्यों हो जाते हैं वो लोग? क्योंकि उनको जो सबसे नीचे नहीं गिरेंगे वो सबसे ऊपर कैसे उठेंगे? फिर उतने समय उनका मतलब जो पद है कम हो जाता है। दिखाएंगे एक बार रावण के शीश पर कौन सा जानवर दिखाते हैं? वो गधा किसकी निशानी है? बेवान की निशानी है। 5 विकार हैं रावण के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनका बाप कौन? रावण। देवान। और देवान का पार्ट किसका? बार बार धूल में कौन लौट जाता है? धूल में लौट जाती है। रोज बाबा मुरली चला रहे, कितनी बढ़िया मुरली चली। ब्रह्मा वाली आत्मा फिर क्या करेगी? इतनी बढ़िया मुरली, इतना बढ़िया ज्ञान स्नान, इतना बड़ा याद, क्या होश आता है? होश आता है कि नहीं? मजा आता कि नहीं? आता है। इतना ही मिलता है, इतनी मुरली भी बढ़िया, इतना वार्तालाप भी बढ़िया, इतना सब कुछ मिलते हुए भी फिर क्या होता है? जो अभिमान की मिट्टी ब्रह्मा है कहाँ? मना चंद्रमा ब्रह्मा नहीं है, वो अधूरा नहीं है। माना कोई शरीर में प्रवेश नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं है, तो फिर पढ़ाई पढ़ने आता है ना? हाँ, पढ़ाई पढ़ने आता है तो गड़बड़ नहीं करेगा? कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है ना, टीचर पढ़ाई पढ़ाता है तो लफड़ेबाजी करता है। बाबा कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना, लेकिन राम को तो श्याम सुंदर नहीं कहते ना, तो फिर जो अभी ब्रह्मा की आत्मा वो तो माना जो बाबा का पार्ट है वो ब्रह्मा के द्वारा नहीं चल रहा, राम की आत्मा के द्वारा चल रहा है ना? ब्रह्मा की सोल प्रवेश नहीं कर रही है राम की आत्मा? प्रवेश कर रही है, पार्ट बजाने वाला कौन? पार्ट बजाने वाला आत्मा अलग नहीं है? शिव है या कृष्ण? सिर्फ पाप पुण्य का पार्ट बजा सकता है? नहीं। कौन बजाता है? राम कृष्ण। राम वाली आत्मा तो याद में रहती है, कैसे पार्ट कर दिया है? खाना भी होता। पढ़ाई पूरी हो गई किसकी आत्मा की? पढ़ाई पूरी नहीं हुई। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई तब तक उल्टा पलटा करेगा कि नहीं? बाबा वो तो माँ का पार्ट है ना। अम्मा है, अब अम्मा है, अम्मा सिर्फ इसलिए है कि अर्धनारीश्वर का पार्ट है, सहयोगी है एडवांस पार्टी की पालना करने में।
सब गोपियाँ नानी को जाते हैं स्नान करने के लिए, सब गोपियाँ कृष्ण का मतलब जहाँ पर ऊपर रहता है वो सारे बेड़े सबके ऊपर रहता है। अभी रोज स्नान नहीं करते है? करते हो ना, रोज स्नान कर रहे हैं, ध्यान स्नान करते हो ना, वो करते हो ना। जब अखबार अखबार वाले जो है वो अखबारों में बात निकलेगी क्या, तो नंगे कर देंगे तुम्हें क्या, नंगे हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे। भैया हमारे कपड़े वापस दे दो, हमें नहीं चाहिए, जल्दी दे दो। आज की यात्रा में दौड़ते हैं ज्ञानियों के, ज्ञानियों के पंखों से भी उड़ते हैं, तो असुर असुर क्यों है फिर याद की यात्रा से? तो असुर नहीं उड़ते हैं याद की यात्रा, उनकी तपस्या की याद हमसे ज्यादा तीखी है। देवताएं इतनी कर तपस्या करने के आदि नहीं है, और असुर अरे बैठ जाते हैं लकड़ी घंटों बैठ जाते हैं। अच्छी बात नहीं है ना, क्या इतना अकड़ करके बैठना अच्छी बात नहीं है ना। अगर याद नहीं आता है, दुनिया का वायुमंडल खराब हो रहा है, हमारी अवस्था खराब हो रही, तो उससे अच्छा अकड़ के याद करना बैठ अच्छा है ना। अभी तो कोई इतना संपूर्ण बना कि चलते चलते याद कर लेगा, अभी नहीं बना, जो बना होगा सो पाएगा, जो नहीं बना है वो डंडे खा लेगा। बाबा तो बाबा जो भर्ती करने के लिए आते हैं जिनका फाउंडेशन आदि अच्छा रहता है, मन आदमी आदि में मन उनका फाउंडेशन जो अच्छा रहता है, भर्ती करने के लिए आते हैं तो आत्मा की स्थिति उनकी बन जाती है, तो वो तो आदि सनातन देव देवता धर्म की आत्मा है, और जिनका फाउंडेशन पक्का नहीं बन पाता है तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर अब जो छोटे छोटे लोग आए हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं उनकी तो इतनी आत्म की स्थिति बनी नहीं है, जैसे पहले जो छोटी छोटी बहनें आई ना सरंगत, छोटी छोटी बहनें जो आई वो छोटी बहनें सत्व प्रधान होती है कि और तमो प्रधान होती है बड़ों के मुकाबले, लेकिन आदमी की स्थिति की बात है ना। हाँ तो महात्मा है ना, आदमी की स्थिति जल्दी भी नहीं खराब देर से बनेगी, फाउंडेशन पक्का नहीं है, जो पवित्र होते हैं उतने ज्यादा आत्मी की स्थिति वाले बस जल्दी बनते हैं। बाबा असुर याद तो करते हैं पर असुर असुर क्यों बनते हैं? असुर याद करते हैं लेकिन असुर है ना, क्या सुर में सुर मिला के नहीं चलते हैं क्या? तुम कहो पूछो फटाक से विरोध कर रहे मेरी बात, तो सुर में सुर नहीं मिलाया ना, तो ऐसे जो असुर हैं कितनी भी तपस्या करें वो विरोध करते रहते हैं, क्योंकि हम ज्यादा पावर हैं, हम बड़े हैं क्या, बाबा कभी मूल्य में ना विजयमाला को इतना बाबा कभी मूल्य में विजयमाला को इतना ऊंचा चढ़ा देते हैं और रुद्रमाला को एकदम नीचे ही होकर देते पवित्रता। हाँ पर कभी कभी मूल्य रुद्रमाला को इतना ऊंचा कर देते हैं विजयमाला को नीचे कर देते। क्यों राजा कौन बनता है? रुद्रमाला। रुद्रमाला किसके बच्चे है? अरे रुद्रमाला पूरा हाथ धोने भी नहीं दिया पहले ही दे दिया, मुँह धोने दिया हो गया हो गया, अब काय में डालो उसके ऊपर गुलाब बाबा आज की बात मैंने मुरली में अष्टदेव की जो विशेषता बताई ना कि एक सेट कपड़े हो तो भी वो लोग उसमें संतुष्ट रहेंगे, लेकिन वो आदि से लेकर के अंत तक की उनकी विशेषता बताई परीक्षा कोई हर समय की होती है, परीक्षा घंटे दो घंटे चार घंटा सारा दिन होगी, हमेशा की परीक्षा होती है क्या? कभी कोई ऐसी स्थिति आ गई कि बड़ी बहनों ने नहीं पहचान पाया, और धोखे से कोई बहन ऐसी है जिसके पास कपड़े है ही नहीं, किसी ने देख नहीं पाया, वो अपने को छुपाती रही, तो वो हमेशा ऐसी स्थिति रहती है क्या? ऐसी आत्माएं नए संगठन में होंगी या सभी जगह होंगी? नए संगठन में ऐसी आत्मा होती है जो इतना सेंड कर लेती है, और मिनिमम दहिया चाल मचा देंगे
क्या नहीं कुछ नहीं होगा, दूसरों की चुरा भी लेंगे क्या, मारपीट भी करके भी अपना लेंगे, ये मेरा है तेरा नहीं है, तू झूठ बोलती है, ऐसे भी कर बैठेंगे। बाबा एग्जाम्पल के रूप में आपके जो उनको निमित्त मना उनको देख कर के पोषाद करने के लिए रखे गए। देवों में दो देखने में नहीं आ रहे हैं क्या? तो फिर तुम दो को देख के करो ना पुरसाद, मना कौन करता है? कहीं हम दो से संतुष्ट नहीं है, हमें तो सब चाहिए क्या, जब सब निकलेंगे तब हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जल्दी उठते है तो सोल का डर रहता है क्या? एक डेढ़ बजे बैठते हैं तो सोल का डर रहता है क्या? 12-1 बजे के बाद ही जो ईविल सोल होती है उनका टाइम खत्म हो जाता है। बैठने से भी क्या होता है, अपनी चेकिंग भी तो करना है हमको, प्यार से, उस दिल से, उस मजे से, उतनी सहज, उतनी लगन की याद आ रही है, चलो खींच खींच के भी याद आए तो भी याद आ रही है, फिर बाबा सोना में याद तो ऐसी होनी चाहिए। तो मतलब सोना में क्या उनकी समस्या हो जाए, नहीं याद भूले कैसे क्या, अंदर से महसूस होकर तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, उनसे इनमें नो तक तेरी याद आ रही है, जिन लोगों को बाबा के दृष्टि देते समय नींद भी आती है, लोग कहते नींद मुझे नींद आ रही है, फिर उल्टा गाई बाबा कभी कभी नींद आती क्लास में बाबा, बांगा याद आता होगा नहीं ना, नहीं जितल ली और ज्यादा याद आएगा, ऐसी स्थिति सभी की बनेगी, कैसे भूले याद कैसे भूले भूले तो कैसे भूले, पकड़ गई करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रवेश कर सकते हैं तो मतलब पागल जैसे हो जाएंगे ना, कोई कंट्रोल करने वाले होंगे तो कंट्रोल करते रहेंगे, रुद्रमाला में रुद्रमाला नाम ही तब पड़ता है, किसी रुद्राक्ष के मणके में अनेक मुकुटे हैं और कोई में एक ही मुकुटा, वो मिलता ही नहीं, प्रवेश ना मतलब इतने कुछ भी सर प्रवेश ना करने तो इसको पुरस्कार क्या करना, जिस रुद्राक्ष मणके में कोई मुख ही नहीं होगा उसमें समझो शिव बाबा ने भी प्रवेश नहीं किया, रुद्राक्ष का मणका ही नहीं, तो मन को तभी कहा जाएगा उसमें सब प्रवेश, जब शिव प्रवेश करता है तभी रुद्राक्ष का मणका, रुक्मिणी और उसके बाबा बोलते बाबा ये हाथ में क्या है और बेहद से क्या है बाबा, जो मणि बनते बनते रुक गई, रुक्मिणी सत्यभामा, हाँ माने हुई माँ, माने माँ जो सच्चाई में माँ हुई वो सत्यभामा। बेहद की दुनिया में बहुत से पुरुषार्थी ऐसे होते हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन किर 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 उनकी चिकराहट की आवाज सबको सुनाई जाती है, फालतू की तो मतलब कुछ नहीं, जो वो किरकिट करने से कोई फायदा है, कोई देश को फायदा है, दुनिया को कोई फायदा है,
खेलने वालों को कोई फायदा है, पैसे मिल जाते हैं। कितना पैसा, पैसे छोड़ देंगे, कितना पैसा डालते हैं? हाँ, इतना ही सारा देश का पैसा खर्च होता है, लेकिन है क्या ना, किर 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 मतलब इससे तो अच्छा मेढक बन जाओ, बरसाती मेढक। चलो हटा, भागो भागो भागो। सच्ची मामा का पार्ट किसका है? सच्ची मामा का पार्ट है तो सच्ची माँ की तरह पालना भी करती है अपने बच्चों को। क्या सच्चाई में माँ होनी चाहिए, लेकिन बेचारी क्या वीडियो बनती है।